हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यस, देखिए मैं अपने बालों को वॉश करके आई हूँ, शेयर भी करना, और मैं बताती हूँ आपको रीजन, लाइक भी करना। सो देखिए यस गाइस, मैंने ये सारे जो DIY टिप्स मैंने यूज किए मैंने उसके लिए, देखिए तो ये मेरे बाल है ना, जो भी मैंने यू नो प्रोडक्ट्स यूज किए, अपने घर के ही प्रोडक्ट्स आपको इजिली मिल जाएंगे, जैसे कि दही हो गया और विटामिन ई ऑयल, तो मतलब कैप्सूल जो है वो मार्केट में आप इजीली परचेस कर सकते हैं। वो कुछ आती है 27 या 30 रुपीस की मिलती है, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए ना, जरूर आप चेक करिए आगे। और मेरे बाल इतने स्मूथ एंड सॉफ्ट हो गए ना गाइस, तो बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। और इससे कैसे है ना, आपके बाल अगर बहुत ज्यादा पतले भी हैं, रूखे सूखे बाल रहते होते ना ऐसे जैसे, और बहुत ज्यादा टैंगल हो जाते हैं बालों में, तो टैंगल फ्री करने के लिए तो बहुत ही अच्छा ये DIY मास्क है, आप जरूर यूज करिए। मेरे बाल बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुके हैं। अगर आप रिबॉन्डिंग कराने जाते हैं पार्लर में, उसके लिए आपको बहुत पे करना पड़ता है। अगर मेरी लेंथ के हिसाब से अगर मैं अपने बालों की रिबॉन्डिंग कराऊं, तो आराम से 7,000 to 8,000 पार्लर में मुझे खर्चा करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। एंड अगर आप केराटिन भी करते हैं, तो कुछ केराटिन सपोज यू नो 2000 से स्टार्ट होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे इतने लंबे बाल हैं जो केराटिन करवाने का फिर कितना लेंगे। सेम उतना ही बजट हो जाता है रिमॉर्निंग केराटिन करने का। सबसे बेस्ट तरीका है गाइज, अपने घर में केमिकल फ्री आप बनाइए हेयर मास्क, और उस हेयर मास्क को आप अप्लाई करिए। आप जरूर, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ गाइज, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, और आप मुझे खुद बोलेंगे, और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना आपने अगर इस मास्क को यूज किया ना, तो उसके बाद आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। अगर आपके बाल सच में बहुत पतले हैं, रूखे हैं, सूखे हैं, रूखे सूखे बालों के लिए सबसे बेस्ट वर्क करता है, तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स है ना, आप जरूर यूज करिए। उसके बाद मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना गाइस, और बालों में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, मेरे बाल बहुत अच्छा यू नो शाइन कर रहे, तो मुझे काफी अच्छा यू नो रिजल्ट मिला। तो गाइस आप भी जरूर यूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें, ना हमें डैंड्रफ और ईचिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम होती है, सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो घर में ही अवेलेबल होते हैं। सो गाइस चलिए और पूरी वीडियो देखिए, आई होप आपको अच्छी लगे, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करिए अच्छे अच्छे, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स मेंबर के साथ में इसे आप शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बाउल ले लीजिए, और यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा, तो वाओ साइंस के एलोवेरा जेल लिए, जो कि हेयर के लिए भी है, प्रॉपर हेयर के लिए भी जाता है, स्किन पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है एलोवेरा जेल ली है, और यहाँ पे मैंने लिया है विटामिन ई ऑयल कैप्सूल, तो ये कैप्सूल आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, इसके लिए पूरी पैकेट होती है जो कि आप ले सकते हैं आराम से। तो आप अपने स्किन पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं DIY बना के। तो विटामिन ई कैप्सूल जो होती है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत यूजफुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, हमारे स्किन इसे ना शाइन होती है, तो फेस भी हमारा कुछ शाइन होता है। अगर आप चाहें तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इस पर। सो विटामिन ई ऑयल के बाद मैं यहाँ पे डालूंगी दही, दही भी हमारे स्किन हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे मैंने यू नो दही लिया है, तो दही भी आपको 2 से 3 टेबल स्पून लेना, मेरे बाल जितने बड़े हैं मैंने उस हिसाब से दही लिया है यहाँ पे कर्ड। उसके बाद इसे मैं इसमें ऐड करूंगी पतंजलि का रोगन बादाम तेल, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और इससे हमारा जो हेयर है ना वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। एंड दही जो है, दही की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी हमारे बालों के लिए अच्छी होती है। यहाँ पे मैंने लिया है पतंजलि का वर्जिन ऑयल, तो वर्जिन ऑयल को मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डालने वाली हूँ, कम से कम मैं 2 चम्मच तो इसे वर्जिन ऑयल डालने वाली हूँ। ये थोड़ा सा वर्जिन ऑयल मैंने ऐड किया है पतंजलि का कोकोनट वर्जिन ऑयल, और इसकी वजह से हमारे जो बाल है ना वो एकदम सिल्की स्मूथ एंड शाइनी हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ही यू नो घुंघराले टाइप हैं, कर्ली हेयर से, तो बहुत ही आसानी से आप यू नो इस पैक को लगाइए, और घुंघराले बाल जो है थोड़े बहुत आपके सीधे हो जाएंगे, बट स्मूथ हो जाएंगे, इतने कर्ली हेयर जो सीधे नहीं होंगे बट स्मूथ हो जाएंगे। और इस पेस्ट को बना लेना है। फिर से मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून और एक बार यहाँ पे वर्जिन ऑयल ऐड किया, और देखिए आप ये मास्क देखिए, इतना अच्छा मास्क बन के रेडी हो जाएगा ना गाइज, एकदम स्मूथ एंड कुछ शाइनी टाइप में। और मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने हेयर पे, और इसका रिजल्ट भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और ये फेस सॉरी हेयर मास्क को आप जरूर यूज करिए, ट्राई करिए गाइस, बहुत ही अच्छा है। एवरीवन, और सबसे पहले अपने बालों को आप अच्छी तरह से टैंगल फ्री कर लीजिए। तो मेरे बाल आप जैसे देखिए थोड़े से बेबी टाइप में है, बट मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह से, बट आपने अगर ये पैक लगाई तो बहुत ही स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे आपके हेयर। सो चलिए पूरा वीडियो देखिए, और देखिए इसे किस तरह से अप्लाई करना है, तो मैं इसे पूरी आप लोगों को डिटेल्स में आप लोगों को बता देती हूँ। सो सबसे पहले मैं अपने बालों को टैंगल फ्री कर लिया है, वैसे तो थोड़ा बहुत कॉम्ब कर लेती हूँ।
और इस हेयर मास्क को मैं अप्लाई करके आप लोगों के साथ में इसका रिजल्ट जरूर शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया और उसके बाद मैंने ये हेयर मास्क को लगाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है। तो आप अपने ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए, अदरवाइज़ आप अपने हाथों से भी लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरह से ये लग जाता है। और ये इतना स्मूथ है ना कि आप आराम से आपके फिंगर जो है ना आपके बालों में से अच्छी तरह से निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो जब भी मैं इस पैक को लगा रही थी अपने बालों पे, तो ऐसा नहीं कि कहीं पे मेरे बाल फंस जा रहे थे, हाथ मेरे जाके कहीं पे अटक जा रहे थे बालों में, तो ऐसा नहीं था। बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हुआ था और बहुत ही अच्छा, बालों को भी देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत ही बेस्ट, एकदम अच्छी तरह से लग गया था ये पूरे मेरे बालों पे। और यस, आप ज़रूर आपके जो डाउन हेयर्स होते हैं, जो स्प्लिट एंड्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसकी भी प्रॉब्लम से आपको ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो नीचे भी अपने बालों पर अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लीजिए और ये बहुत ही अच्छी तरह से लग गया है गाइज। और इसमें हेयर वॉश करके भी आपको आगे दिखाया है वीडियो में, तो पूरी वीडियो देखिए। और बहुत ही स्मूथ पेस्ट है, ज़रूर आप रिबॉन्डिंग, कैरेटीन, ये सारी चीज़ें करने से पहले आप इसे ज़रूर ट्राई करना गाइज, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही बेस्ट है। और मुझे यही पे इतना सॉफ्ट फील हो रहा है अपने बालों में कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए ये बाल कितने अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, स्मूथ लग रहे हैं, बहुत ही स्मूथ लग रहा है। तो मैंने इसे पूरा अच्छी तरह से सब लगा लिया है और आप जरूर ट्राई गाइज। रिबॉन्डिंग, कैरेटीन करने से पहले आप जरूर ये वाली वीडियो देखिए, क्योंकि देखिए ये बहुत ही अच्छा DIY मैंने बनाया है जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। केमिकल फ्री लाइफ होनी चाहिए हमारी, ना कि बहुत सारा केमिकल हम अपने सर से डालते हुए स्टार्ट करें, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो हमारा हेड होता है, पूरी ब्रह्मांड है, तो उसमें केमिकल तो बिल्कुल नहीं डालना है, तो हेयर के लिए हम क्यों ऐसा करें। तो ये पूरी वीडियो आप देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने हेयर वॉश कर लिया है अपने, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसे हेयर वॉश कर लेना है। और आप जो भी शैम्पू यूज करते हैं वो वाली शैम्पू आप यूज करिए। तो मैंने तो इंदुलेखा यूज करती हूँ, तो मैं इंदुलेखा ही इस पे अप्लाई किया अपने बालों पर। और आप देख सकते हैं अभी से इतने स्मूथ लग रहे हैं बाल, इतने चूने में कि बहुत अच्छा लग रहा है। लिवॉन से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लग रहा है इसका। बट यस, और अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है। एंड चलिए फिर आप जब ये बाल मेरे ड्राई हो जाएंगे ना, तो उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से, ये देखिए स्ट्रेट एंड सिल्की एंड स्मूथ है। सो ज़रूर ट्राई करना।